नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल क्लासरूम की चर्चा करने जा रहे हैं। गूगल क्लासरूम एक ऐसा फ्री टूल है गूगल प्लेटफॉर्म पे, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में एक वर्चुअल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल्स को शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब अभी यही रह गया है कि आपस में, जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपकी वीडियो मैं देखूं, आपस में बात कर सकूं, सिर्फ इसी को हम लोग वर्चुअल क्लासेस नहीं कह सकते हैं। आप ये देखिए, वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये होना चाहिए किसी तरह की फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, क्वेश्चंस हो, या कोई भी फाइल जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे सके, वापस उसको वो सबमिट कर सके, ये सारी चीजें एक जगह स्टोर हो जो फ्यूचर में कभी काम आ सके। इन चीज़ों के लिए गूगल ने गूगल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो यूज़ करने में बेहद ही सिंपल है, और एक टीचर और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के आपस में ये क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के अंत तक में आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि कैसे यूज़ कर। इसके लिए मैं एक मोबाइल हैंडसेट में एज ए टीचर लॉग इन करूँगा, और दो अलग अलग जो हैंडसेट रहेंगे उसमें एज ए स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि कैसे ये यूज होता है, बेहद ही सिंपल है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ, तो हम लोगों ने एक ये मोबाइल हैंडसेट ले लिया है, इसे एज ए टीचर हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ सर्च ऑप्शन में हम लोग टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। इसमें आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर दें, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। ओपन पे क्लिक करूँगा। अब इनिशियली जो ब्लैंक इंटरफेस हमारे सामने आएगा, इसमें एक आइकन बना है यहाँ प्लस का आइकन, देखिए इस पर क्लिक करने से दो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। अब मैं एज ए टीचर इसमें क्लास क्रिएट करूँगा, क्रिएट क्लास पे मैंने क्लिक किया। कुछ गूगल क्लासरूम के टर्म्स आ रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये पूछता है क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, तो क्लास टेंथ है, मैंने ऐसा डाल दिया। सेक्शन ए, रूम नंबर मान लीजिए मैंने 2 दिया। सब्जेक्ट कंप्यूटर मैं डाल रहा हूँ। यहाँ क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद ये एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करके देगा आपको। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, इसमें क्लास टेंथ ए ये देखिए जो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम लोग जाएंगे क्लास वर्क पे, दूसरा ऑप्शन, यहाँ एक प्लस आइकन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब कई सारे ऑप्शन गूगल क्लासरूम हमें देता है, जैसे असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, टॉपिक्स, रीयूज पोस्ट। असाइनमेंट, जैसे कोई असाइनमेंट किसी सब्जेक्ट का हमको स्टूडेंट्स को देना है हमें, और वो वापस उसे रिटर्न कर सकते हैं असाइनमेंट कंप्लीट करके। दूसरा क्वेश्चंस है, तीसरा कोई स्टडी मटेरियल्स हो गया, कोई टॉपिक्स हो गया जिसपे कुछ डिस्कशन होगा, या फिर कुछ रीयूज पोस्ट है, कहने का मतलब जो आपने पहले से जो पोस्ट डाल रखा है उनको यूज़ करना है। तो हम लोग एक कोई क्वेश्चन क्रिएट करके देखते हैं। अब जैसे कंप्यूटर में हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया है कंप्यूटर का, तो अब इसमें क्वेश्चंस मैं टाइप करूँगा। जैसे एक एग्जांपल के लेता हूँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब इंस्ट्रक्शन में हम लोग ये टाइप कर लेते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, राइट द करेक्ट आंसर। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, ये कितने पॉइंट्स का क्वेश्चन है। मान लीजिए 100 मार्क्स का है, ड्यू डेट इसकी क्या है, तो मान लीजिए कि 25 तारीख मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि तब तक इनको आंसर कर देना है। टाइम ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है, इसमें आप दे सकते हैं कि कितने समय में इनको कंप्लीट कर लेना है। टॉपिक क्या है, टॉपिक का भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर, सेव कर देंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर, आप चाहते हैं क्या उसका आंसर शॉर्ट आंसर लिख के दे या मल्टीपल चॉइस दे। अब फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लिया।
तो ये दो ऑप्शन मान लीजिए मैंने टाइप कर लिया, आप चाहे तो तीन चार भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट कैन सी द क्लासेस समरी, सबका जो रिस्पॉन्स क्या वो देख सकते हैं, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए जो ये आइकन बना है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस हैज़ बीन क्रिएटेड, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो स्टूडेंट हैं आंसर करेंगे वो आएगा। तो मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि एक दूसरे फ़ोन में कि जब वो आंसर करेंगे तो यहाँ क्या दिखता है। अब मान लीजिए ये एक स्टूडेंट का फ़ोन है, इस फ़ोन में गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल्ड है, इसको मैंने ओपन किया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपना जो ये प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, एक ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास इसका ऑप्शन आएगा, चूंकि ये स्टूडेंट है उनको क्लास ज्वाइन करना है, ज्वाइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कह रहा है क्लास कोड, क्लास कोड देखने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास देखने के लिए आपको देखिए एक स्ट्रीम ऑप्शन यहाँ है आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रीम इस पर जाएंगे। स्ट्रीम के बाद आप इसमें देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे जनरल के नीचे क्लास कोड लिखा है। अब ये स्टूडेंट का स्क्रीन है ये वाला, इसमें ये जो क्लास कोड है यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, अब ये देखिए इस पे हमने क्लास कोड टाइप कर दिया। अब इसको ज्वाइन, देखिए ऐसा स्क्रीन आपके पास आ जाएगा, ये जो स्टूडेंट का फ़ोन है और ये जो है एक टीचर का फ़ोन है। अब स्टूडेंट क्लास 10th है, ने इस कोड के थ्रू ज्वाइन कर लिया क्लास। अब इसका जो ये क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब जब इस पे क्लिक करेंगे देखिए दो क्वेश्चन ऑप्शन जहाँ टीचर ने सेट किए थे क्वेश्चन में, ऐसा था टीचर्स का कहना। अब ये स्टूडेंट है, ये है सो रैंडम, इन दोनों में से जो भी इनको ऑप्शन लगता है ये इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड क्लास कमेंट, अगर उनको पूछना है इस चीज़ के बारे में वो रिप्लाई कर सकते हैं। नीड मोर क्वेश्चंस, ठीक है ये इसको सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इनमें एक स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन में एक ऑप्शन स्टूडेंट ने सेलेक्ट कर दिया और इसमें हैंड इन, ऐसा क्या है इस ये कह रहा है सबमिट आंसर, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक चेंजेस, मतलब आप आंसर सबमिट करने के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे सबमिट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबमिट। अब ये है आंसर मेरा सबमिट हो जाएगा उस टीचर, देखिए यहाँ इसने पॉपअप आया आंसर सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ इस टीचर के हैंडसेट में आप ये देखिए स्टूडेंट आंसर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के लिए आपको यहाँ इस पर जाके ये रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब यहाँ जो इसका नोटिफिकेशन है इसमें जाएंगे, इसमें ये आ रहा है कि कमेंट क्या किया। स्टूडेंट आंसर में देखिए ये दिखा रहा है कि इस स्टूडेंट ने एक आंसर सबमिट किया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये दिखा रहा है कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसने किया, अब मुझे लगता है इसे 100 मार्क्स दे देने चाहिए, मैंने 100 मार्क्स कर दिया और इसे रिटर्न कर दिया, रिटर्न वर्क। अब देखिए लिखता है वर्क रिटर्न टू स्वाति शर्मा। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट भी ये देख सकता है कि उसके मार्क्स कितने आए, ये जानने के लिए यहाँ जो नोटिफिकेशन का सिंबल बना है
उसमें जाना होगा और यहाँ नोटिफिकेशन पे ऑन करना होगा। अब इस पे है सो टीचर का कमेंट आया है क्लासरूम का। अब ये देखिए इनमें 100 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से इसका काफ़ी बढ़िया यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, आप कुछ और जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको। थैंक यू।